हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शिवा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बहुत ही मजेदार, बहुत ही यमी एग फ्राइड राइस की रेसिपी, जिसे बनाना भी बहुत आसान है और आप लंच में इसे बनाए बहुत ही मजेदार बनती है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। एग फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीजों की चॉपिंग कर ली है, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है टोमेटो, जिसमें से मैंने बीज में से इसके सीड्स निकाल दिए हैं और मैंने बस इसका आउटर लिया है और मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। शिमला मिर्च ली है मैंने, इसको भी मैंने छोटे टुकड़ों में कट किया हुआ है। यहाँ मैंने ली हुई हरी मिर्चें दो, जिसे चॉप कर रखा है। लहसुन मैंने ले रखी है 4 से 5 कलियां, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। और यहाँ पे लिया है मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, इसे भी चॉप कर लिया है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी वेजिटेबल्स और है, स्प्रिंग अनियन है या बीन्स है, जो भी वेजिटेबल्स आपके पास है वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। और आपको एक काम पहले से करके रखना है, वो है आपको राइस को आपको पहले से बॉईल करके रख लेना है। और ये ध्यान रखना है कि बॉईल करते टाइम उसमें आप पानी ज्यादा रखें, ताकि बॉईल होने के बाद जब वो अच्छे से कुक हो जाए तो उनका एक्स्ट्रा पानी आप उसका ड्रेन कर दें। और कुक करते टाइम उसमें आपको थोड़ा नमक डालना है, ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमें बाद में भी डालना होगा। और थोड़ा 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है, ताकि पकने के बाद आपके राइस खिले खिले बने। तो आइए अब बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ हमने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। इसमें हमने 3 अंडे ब्रेक कर दिए हैं, इसमें डाल दिए हैं। इसमें हमें डाल देना है ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा नमक। अब हमें इसे स्लाइटली क्रम्बल कर लेना है, ज्यादा नहीं हमें चलाना है, बस थोड़ा थोड़ा सा। एग हमारा क्रम्बल हो गया है, इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ हमने सेम पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और अब हम डाल देंगे इसमें 0.5 टीस्पून और डाल देंगे हम यहाँ पे अपनी गार्लिक, जिसे हमने बहुत अच्छे से चॉप किया हुआ है। थोड़ा सा इसका फ्लेवर आ जाए उसके बाद हम अगली चीज डालेंगे। 1 मिनट हो गया है, अब हम डाल देंगे इसमें अपनी ग्रीन चिली, ये भी बहुत ही फाइन चॉप की हुई है मैंने। अगर बच्चे पसंद नहीं करते हैं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप और मोटी डालें ताकि बच्चों को दिख जाए तो वो हटा सकें। अब हम डाल देंगे शिमला मिर्च, इसे भी हमने बहुत अच्छे से चॉप किया हुआ है। अगर कैरेट है तो आप कैरेट भी इसमें डाल सकते हैं और स्वीट कॉर्न भी इसमें डाली जा सकती है, लेकिन लॉकडाउन के चलते हमें ज्यादा सामान नहीं मिल पा रहा है, तो जो सामान हमारे पास घर में अवेलेबल है हम उसी से ही बना रहे हैं आज एग फ्राइड राइस। 2 मिनट से हमने मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से सॉटे कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने बॉइल्ड राइस। हमें हल्के हाथ से मिक्स कर देना है तो चावल हमारा टूटने ना पाए। यहाँ मैं थोड़ा टैंगी फ्लेवर फ्राइड राइस बना रही हूँ, इसके लिए मैंने इमली की मीठी चटनी ली है, ये हम इसमें पूरे में डाल देंगे। इस तरह से हमने पूरे में डाल दी है, इससे बहुत ही मजेदार बनते हैं ये राइस। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप। इसमें सोया सॉस भी डाली जा सकती है, या आपके पास ग्रीन चटनी बनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। जो भी चटनी आप इसमें डालेंगे, जो भी सॉसेस इसमें आप डालेंगे, उससे इसका फ्लेवर और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब हम इसमें डाल देते हैं अपना हरा धनिया और साथ में डाल देते हैं टोमेटोज, और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे ये क्रम्बल एग। इसे भी हमें हल्के हाथ से ही मिक्स कर देना है और लीजिए हमारे बहुत ही मजेदार एग फ्राइड राइस बनके तैयार हैं। तो देख सकते हैं आप ये कितने मजेदार, कितने यम्मी हमारे फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस बनके तैयार हुए हैं। बनाना भी बहुत आसान है और आप इसमें जो भी आपके पास वेजिटेबल्स बचे हुए हैं आप इसमें यूज कर सकते हैं, और आप अपने रेगुलर राइस यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसमें वही बिरयानी वाले और बहुत अच्छे वाले राइस यूज करें, जो भी आपके पास आप घर में नॉर्मली यूज करते हैं वो राइस आप इसमें यूज कर सकते हैं। और इसमें आप डाल सकते हैं अपनी स्पाइसेस और अपनी चटनियां, जो भी आप चटनी आपके पास है आप वो इसमें डाल सकते हैं। तो आप ये रेसिपी जरूर बनाएं, जरूर ट्राई करें। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।